ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने एक ही दिन में काट डाले रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र तो उपमंडल संगड़ा से संबंधित डेढ़ दर्जन उद्घाटन। मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा की गृह पंचायत बिरला व तहसील मुख्यालय ददाहू में वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। संगड़ा में बिना कुर्सी टेबल व कर्मचारी वाले इलेक्ट्रिकल डिवीजन के उद्घाटन के लिए स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने ऊर्जा मंत्री व भाजपा की निंदा की। भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान प्रदेश सरकार पर विकास में संगड़ा व पाड़वी क्षेत्र की अनदेखी के आरोप भी लगाए। पीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा के अनुसार कल उद्घाटन पट्टी का पहुंचने के बाद शुरू होंगे विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ा सहित अन्य विभिन्न कार्यालय। हिमाचल सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी द्वारा गुरुवार को एक साथ रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 18 के करीब उद्घाटन निपटाया जाना चर्चाओं में रहा। ऊर्जा मंत्री द्वारा उक्त उद्घाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा की गृह पंचायत बिरला व तहसील मुख्यालय ददाहू से विधिवत पूजा अर्चना के बाद भाजपाइयों के अनुसार वर्चुअली किए गए। बिरला व ददाहू में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए हैं और क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण इससे पहले की कांग्रेस सरकारें व इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले रेणुका जी के कांग्रेस एमएलए रहे। ऊर्जा मंत्री द्वारा आज ददाहू में बीडी ऑफिस संगड़ा में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय व इलेक्ट्रिकल डिवीजन व धारटीधार आईटीआई सहित कई शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों तथा बंटवार वृत्त व जेई सेक्शन आदि विभिन्न विभागों से संबंधित उद्घाटन किए गए। उधर कांग्रेस के संगड़ा जोन के अध्यक्ष कुशल सिंह तोमर मंडल महासचिव रामलाल शर्मा व राजेश ठाकुर तथा सत्यनंद भारद्वाज आदि पार्टी पदाधिकारियों ने संगड़ा में विद्युत विभाग के मंडलीय कार्यालय के उद्घाटन को क्षेत्रवासियों के साथ मजाक बताया, क्योंकि इस दफ्तर के लिए उपलब्ध करवाए गए पुराने तहसील कार्यालय भवन में आज भी दिन भर ताला जड़ा रहा और यहां एक्सियन एसडीओ व कोई अन्य कर्मचारी होना तो दूर कुर्सी व टेबल आदि भी विभाग द्वारा नहीं रखे गए। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान प्रदेश सरकार पर 24 के करीब पंचायतों वाले पाड़वी क्षेत्र अथवा संगड़ा जोन के विकास में अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री भी गत 5 मई को 9 करोड़ के संगड़ा अस्पताल भवन व 13 नवम्बर को अन्य कई करोड़ों की परियोजनाओं के क्रमशः हरिपुरधार व नौराधार से बिना देखे हवा हवाई अथवा वर्चुअल उद्घाटन कर चुके हैं और पिछले पंचायत व लोकसभा चुनाव में इस इलाके से पार्टी को लीड अथवा जीत हासिल होने के बावजूद भाजपा यहां आने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद संगड़ा में सिविल अथवा जुडिशियल कोर्ट न खुलने पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम के करीबी बलदेव तोमर के हल्के में जहां एसडीएम कार्यालय संगड़ा से करीब 2 साल बाद शुरू हुआ, वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वहां करीब 3 साल पहले सिविल कोर्ट शुरू हो चुका है। कांग्रेसियों ने कहा कि इलाके से भेदभाव का जवाब जनता उन्हें करीब 1.5 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। उधर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने कहा कि दरअसल आज उद्घाटन पट्टिकाएं ददाहू में लगी होने के चलते संगड़ा में इलेक्ट्रिकल डिवीजन व अन्य कई कार्यालय अथवा संस्थान शुरू नहीं हो सके और कल मंत्री के नाम वाले पत्थर लगते ही इन दफ्तरों में कुर्सी मेज भी पहुंच जाएंगे और स्टाफ भी आ जाएगा। इसके साथ साथ बीडीसी चेयरमैन ने यहां विकास कार्यों की बदौलत भाजपा का विधायक जीतने का भी दावा कर डाला। जोन अध्यक्ष संगड़ा जोन, मुझे विज्ञप्त सूत्रों द्वारा जैसे हमें पता चला कि भी जो ऊर्जा मंत्री माननीय सुखराम जी ददाहू से ही यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन का उद्घाटन ददाहू से हो रहा है। पहले सीएम साहब जो जयराम ठाकुर जी थे, उन्होंने हॉस्पिटल का 9 करोड़ की बिल्डिंग का उद्घाटन आधा अधूरा हरिपुरधार से किया और बाद में पता लगा कि वहाँ पानी पीने को भी नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। इसी तरह बिजली वालों के इसमें ना तो एक्सीएम साहब बैठे हैं, ना कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, ना कोई क्लास फोर है और कोई पता नहीं भी कहाँ जैसे उद्घाटन होगा, कौन सी बिल्डिंग इन्होंने ऑक्यूपाई की है। तो इस तरह के सौतेला व्यवहार संगड़ा वालों से क्यों किया जा रहा? संगड़ा वालों ने तो वोट दिए होंगे बीजेपी को, तो इस तरह का ये इसी तरह के आधे अधूरे उद्घाटन हो जाते हैं वोट बटोरने के लिए, ये उद्घाटन करते हैं। और रेणुका कांग्रेस मंडल माननीय ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न सब डिवीज़न हरिपुरधार का और डिवीज़न संगड़ा का आधा अधूरा उद्घाटन आज इन्होंने किया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ना तो यहाँ कोई स्टाफ की व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारी यहाँ बैठता है और आधा अधूरा उद्घाटन इन्होंने किया है। जब हरियाली मेले का 17 अगस्त को इन्होंने समापन किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं खुद 3-4 दिन में आकर यहाँ विधिवत रूप से इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न संगड़ा का उद्घाटन करूँगा, परंतु इन्होंने ऑनलाइन ही कहीं बाहर से यहाँ का उद्घाटन जो आज किया है वो आधा अधूरा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय नौराधार प्रवास पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि संगड़ा में सिविल कोर्ट खोलने के लिए कि शीघ्र ही इस बारे कार्रवाई की जाएगी। राजेश ठाकुर, जैसा कि हमें विदित हुआ है कि आज हमारे रेणुका चुनाव क्षेत्र के प्रवास पे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी आ रहे हैं
और यहाँ पे रेणुका चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे उद्घाटन हो रहे हैं, जिसमें कि संगड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन सब डिवीजन का उद्घाटन वो कर रहे हैं। तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहूँगा कि वो उद्घाटन तो कर रहे हैं, यहाँ पे ना तो अभी तक स्टाफ पहुँचा है, ना ही एक्सियन है, ना एसडीओ है, और ना ही हमें ये पता है कि ये विभाग जो खोला जा रहा है ये किस बिल्डिंग में खोला जा रहा है। प्रभारी सेंडलार जोन कांग्रेस पार्टी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि रेणुका के संगड़ा से जो संगड़ा का क्षेत्र है, इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कोई भी उद्घाटन संगड़ा का हो रहा है या तो नोरा धार से, या हरिपुर धार से, या रेणुका जी से। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी आज बिजली का जो डिवीजन यहाँ खुलने जा रहा है संगड़ा के अंदर, उसका उद्घाटन रेणुका जी से कर रहे हैं। तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि किस जगह ये ऑफिस खुला है आपका, कौन यहाँ एक्सियन है, कौन यहाँ एसडीओ है? ये ऊर्जा मंत्री जी आज इसका उद्घाटन ददाहू से कर रहे हैं, क्या संगड़ा के लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया? क्या संगड़ा के लोगों ने पंचायती राज में इनको सपोर्ट नहीं किया? यदि ऐसा नहीं किया तो ये भी हमें बताया जाए।